मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, फिर वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आते हैं। सवेरे यशोदा माता जब उठती है तो क्या देखती है, उसके बगल में बच्चा लेटा हुआ था। नंद बाबा भी उठते हैं और वे नियम के अनुसार सबसे पहले यमुना नदी में जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि यह प्रथा थी कि जिसके घर में नए बालक का जन्म होता है उसका पिता सबसे पहले यमुना नदी में जाकर स्नान करे। वह स्नान करने के बाद आते हैं। नंद बाबा गोकुल के राजा थे, इसलिए उन्हें सोने की पाट पर बिठाते हैं। सारे गोकुल गांव में ये खबर फैल जाती है कि नंद बाबा के घर में बालक का जन्म हुआ है। अब सारे ग्वाल और गोपियां नंद बाबा के घर आते हैं। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग मिलकर गाते हैं, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला, हे नंद नंद गोपाला।
मेरे प्रियजनों नंद बाबा इस खुशी के अवसर पर खूब दान करते हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने हमें शिक्षा दी है कि जो धन संपत्ति हमारे पास है वो केवल हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। धन हमें मिलता है ताकि हम उसे दूसरों के साथ बांटे, उन लोगों के साथ जो जरूरतमंद हैं। धन हमें मिला है ताकि हम उसे शुभ कार्यों में खर्च करें। जब हम धन का उपयोग शुभ कार्यों में करते हैं तो हमारा धन पवित्र होने लगता है, और यदि हम धन अपने लिए और अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं तो भारत के ऋषि मुनियों के अनुसार वह धन अपवित्र होता है। जिस तरह पानी एक स्थान पर रुका रहे तो वह गंदा हो जाता है, उसे दुर्गंध आने लगती है। उसी प्रकार जब हम धन जमा करते हैं और उसका व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल नहीं करते तो वह धन अपवित्र हो जाता है। इसलिए धन को खर्च करो दुखियों दरिद्रों की सेवा में, अपाहिजों की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में। ऐसा करने से आपका धन तो पवित्र होगा ही, अब तो आपका जीवन भी संवर जाएगा। नंद बाबा खूब ज्ञान करते हैं। ग्वाल और गोपियां जो नंद बाबा के पास आए थे, नंद बाबा उनसे कहते हैं तुम्हें जो चाहिए जो भी तुम्हें चाहिए वो मेरे घर से ले जाओ। वे सबको भेंट में कोई ना कोई चीज देते हैं, किसी को थाली किसी को कटोरी। इस तरह वे अपने घर आए हुए लोगों को भेंट करते हैं, क्योंकि नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक गोपी के बारे में बताया गया है कि वह नंद बाबा के घर में आती है, उसकी पलकें भीगी हुई थी। माता यशोदा और नंद बाबा उसे कहते हैं तुम भी कुछ ले जाओ, पर वह माता यशोदा से कहती है मां मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर माता यशोदा कहती है तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर ले जाना होगा, यदि तुम खाली हाथ लौट गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तब वह गोपी कहती है मां यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे एक चीज दो, वो है कन्हैया, मुझे कन्हैया चाहिए। यशोदा माता कन्हैया को उठाकर गोपी के हाथ में देती है। कन्हैया का मुख चमक रहा था, जिसे देखकर गोपी गदगद होती है। गोपी श्याम को बार बार निहारती है और मन ही मन पुकारती है श्याम मुरारी हे बनवारी मुझे अपने ही रंग में रंग ले।
मेरे प्रियजनों, हाँ तो मैं कह रहा था नंद बाबा ने बालक के जन्म की खुशी में खूब दान किया। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 2 लाख गौएं दान में दी, उसके अलावा अन्न और वस्त्र भी दान में दिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात से मुझे याद आ रहा है, कई साल पहले गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक कृष्ण भक्त के बारे में बताया था जिसका नाम था बाबू। उसका जीवन निर्मल और पवित्र था। एक दिन वह वृंदावन में आता था। वृंदावन वो पावन भूमि है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की, गोपियों के साथ रास खेली, जिसे भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकता। इस बात को 5000 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु आज भी लोग बाल गोपाल की लीलाओं को याद करके अपने नैनों से नीर बहाते हैं। इसलिए तो वृंदावन को लोग तीर्थ स्थान मानते हैं। भारी संख्या में रोज लोग वृंदावन आते हैं। कई भक्तगण तो वृंदावन की रज अपने साथ ले जाते हैं। वे कहते हैं वृंदावन की पावन भूमि की धूली हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। हाँ तो बाबू वृंदावन में आता है, वह बांके बिहारी के मंदिर में शीश झुकाने जाता है। वहां उसे बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए ज्यादा देर रुकने नहीं देते, किंतु कुछ ही पल दर्शन करने से भी श्री बांके बिहारी की तस्वीर उसके दिल में अंकित हो जाती है। अब वह सारा समय बांके बिहारी के ध्यान में रहने लगा। वह बांके बिहारी के मंदिर के पास ही रहने लगता है। एक रात वह सपना देखता है। सपने में वह देखता है 2 फरिश्ते आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, इस वर्ष वृंदावन में कितने यात्री आए हैं? इस पर दूसरा कहते हैं, अभी तो वर्ष के 3 महीने बीते हैं, किंतु इन 3 महीनों में 6 लाख यात्री आ चुके हैं। फिर एक मिनट रुक कर वह कहता है, बेशक 6 लाख लोग यहाँ आए हैं, किंतु यात्री की भावना से नहीं आए हैं। इनमें से एक को भी वृंदावन का सच्चा दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इनमें से एक को भी श्री कृष्ण ने अपने चरणों में स्वीकार नहीं किया। तब पहला फरिश्ता चकित रह जाता है। वह दूसरे फरिश्ते से कहता है, 6 लाख लोग आए किंतु एक भी यात्री नहीं था, इसका अर्थ क्या है? दूसरा फरिश्ता जो ज्ञान ध्यान और भक्ति में पहले वाले फरिश्ते से अधिक ऊंचा था, वह कहता है, किंतु एक है जिसका नाम है गोपाल। वह एक दूध वाला है और वृंदावन से दूर कोई कमरी में रहता है। वह वृंदावन की पावन भूमि पर अभी तक आया नहीं है, फिर भी वह वृंदावन में आया है। उसे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। उसे श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों में स्वीकार किया है, उसे अपने सीने से लगाया है। इस पर बाबू का सपना टूट जाता है। तभी जिस घर में वह ठहरा हुआ था उस घर के द्वार पर दस्तक होती है। बाबू अपनी आंखें मलते हुए उठता है। वह मन ही मन सोचता है, यह कैसा अजीब सपना था। अब वह गोपाल से मिलने के लिए उत्सुक होता है। वह मन ही मन सोचता है, मुझे कुलकम्बी जाकर गोपाल से इस सपने का अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि बाबू के दिल में श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भक्त वो नहीं होता जो स्वयं को भक्त कहलाता है, श्री कृष्ण का नाम जपता है। सच्चा भक्त तो वो होता है जो दीन है, नम्र है, जो कहे मैं भक्तों का भक्त हूँ, जो कहे मैं भक्तों के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाऊंगा। बाबू ऐसा ही भक्त था। वह कहता है, मैं गोपाल के दर्शन करूंगा। अब बाबू
श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। 6 लाख यात्री वृंदावन आए किंतु उन्हें वृंदावन के दर्शन नहीं हुए। गोपाल तो वृंदावन आया ही नहीं, फिर भी उसे वृंदावन के दर्शन हो गए हैं। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। कुलकम्बी वृंदावन से 100 मील की दूरी पर है, किंतु फिर भी बाबू लंबी यात्रा करके कुलकम्बी आ पहुंचता है। कुलकम्बी पहुंचकर वह गोपाल के बारे में पूछताछ करता है। लोग उसे बताते हैं बेशक गोपाल यहाँ रहता है, वह दूध बेचता है और बड़ा ईमानदार है, दूध में कभी पानी नहीं मिलाता। आजकल दूध वाले कहते हैं हम दूध में पानी नहीं मिलाते, किंतु वे पानी की बाल्टी भरकर उसमें दूध मिलाते हैं। किंतु गोपाल न दूध में पानी मिलाता था और न ही पानी में दूध मिलाता था। वह ईमानदारी से अपना काम करता है। दूर दूर से लोग उसके यहाँ दूध लेने आते थे। बाबू भी गोपाल के दुकान पर आता है। गोपाल उस समय दूध बेच रहा था, वह बड़ा मधुरभाषी था। एक एक व्यक्ति से वह मेरे प्रिय कहकर बात करता था। लोग उससे इस व्यवहार का कारण पूछते तो गोपाल कहता क्योंकि एक एक में अपने श्याम सुंदर के दर्शन करता हूँ, एक एक व्यक्ति मेरे श्याम की मूरत है। अब बाबू गोपाल से मिलता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। गोपाल जब वृंदावन के बारे में सुनता है तो कुछ देर के लिए उसकी धारा चल जाती है, वह अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जब उसे होश होता है तब वह बाबू से कहता है तुम कुछ देर रुक जाओ, मेरी दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मैं अपना काम समाप्त कर लूं तो तुम्हें इस सपने का अर्थ समझाता हूं। अपना काम समाप्त करने के बाद वह कहता है बाबू तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के लिए अपार भक्ति है, मेरे दिल में भी तुम्हारी तरह श्री कृष्ण के लिए भक्ति है, मेरे दिल में भी एक ही प्यास है कि एक शुभ दिन मैं अपने कृष्ण अपने इष्ट देव अपने श्याम सुंदर के चरणों में स्वीकार हो जाऊं। इसी विचार से मैंने सोचा मैं वृंदावन जाऊं, पर वृंदावन जाऊं तो कैसे, कुलकम्बी तो वृंदावन से 100 मील दूर है। इसलिए मैं बचत कर पैसे जमा करने लगा। मैं ईमानदारी से अपना धंधा करता हूँ, इसी कारण मेरी बचत भी कम होती है। मैं 30 साल पैसे जमा करता रहा। 30 साल के बाद मैंने सोचा अब काफी पैसे जमा हो गए हैं, मुझे अब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। मैंने सोचा मैं वृंदावन जाकर वे सारे स्थान देखूं जहां मेरे प्रियतम ने अपनी लीलाएं दिखाई, जहां श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास खेलते थे, यमुना नदी के दर्शन करूं, जहां श्याम बंसुरी की तान छेड़ते थे। मैं तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगा। मेरा एक मित्र पास के नगर में जाने वाला था, मैंने उसे वहां से कुछ चीजें लाने के लिए कहा। एक रात मैं अपने मित्र से वे सारी चीज लेने जा रहा था। मैं कुलकम्बी के एक पतली गली से गुजर रहा था कि तभी मेरे कान में छोटे छोटे बच्चों की आवाज टकराई। बच्चे कह रहे थे माँ हमें भूख लगी है, चावल कब पककर तैयार होंगे। जब ये शब्द मेरे कानों पर पड़े तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाया। मैंने सोचा चलकर देखूं तो सही बात क्या है। मैं उन टूटी फूटी झोपड़ी में घुस गया जहां से बच्चों के बिलखने की आवाज आ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि झोपड़ी में एक विधवा बैठी है और पास ही उसके बच्चे बैठे थे जो कह रहे थे माँ
भूख लगी है। माँ बच्चों से कहती है जरा ठहरो, मैंने चूल्हे पर पतीला रखा है जिसमें चावल पक रहे हैं, जब चावल पक जाएंगे तब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। गोपाल ने कहा, मैंने देखा चूल्हे पर पतीला रखा था, जैसे ही पतीले से ढक्कन उठाया तो क्या देखा कि पतीले में केवल पानी ही पानी था, चावल का एक दाना भी नहीं था। तब मैंने उस विधवा माँ से पूछा, इसका अर्थ क्या है? इस पर माँ ने कहा, 3 दिन हो गए हैं हमें खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, 3 दिन से मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। बच्चे खाने को कुछ मांग रहे थे, उन्हें बहलाने के लिए मैंने चूल्हे पर यह पतीला रख दिया है, बच्चे इस तरह खाना मांगते मांगते थक जाएंगे और बेहाल होकर सो जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर मुझे इस तरह तरपता हुआ नहीं छोड़ेंगे, वे अवश्य आकर मेरी रक्षा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, जरूर करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, जरूर करेंगे, वे मुझे अवश्य ही अनाज पहुंचाएंगे जिसे पकाकर मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। उस समय गोपाल अपने भीतर आवाज सुनता है, जो आवाज उसे कहती है, ये है तुम्हारी वृंदावन भूमि, ये है तुम्हारा तीर्थ स्थान, 30 वर्षों में जो तुमने पैसे जमा किए हैं उन्हें तुम यहीं खर्च कर दो, तुम 100 मील दूर पैदल चलकर वृंदावन जाओगे तो उसे क्या होगा, ये लोग श्री कृष्ण की मूरत हैं, तुम इनकी सेवा करो, तुम इनकी सेवा करो, तुम इनकी सेवा करो। यह आवाज सुनने के बाद वह उस विधवा से कुछ नहीं कहता, किंतु वह दौड़ा दौड़ा घर जाता है। अपने तीर्थ यात्रा के लिए उसने जो पिछले 30 वर्षों के पैसे जमा किए थे वे सारे पैसे लेकर विधवा के पास आता है। वह कहता है, मां जी आओ, मैं तुम्हें अनाज, वस्त्र और अन्य कई चीजें खरीद देता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बच्चों के वस्त्र फटे हुए हैं, घर में न कंबल है और न रजाई, इस ठंड के मौसम में तुम सब कैसे सोते होंगे, इस झोपड़ी की छत में इतने छेद हैं कि बारिश में तुम सब लोग भीग जाते होंगे, इसलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी की मरम्मत भी करवा देता हूँ, इन सब के बाद भी मेरे पास पैसे बचेंगे जिससे तुम चाहो तो कोई काम शुरू करो ताकि तुम अपनी रोजी रोटी कमा सको, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको, उन्हें परवाह दिखा सको। ऐसा कहकर गोपाल उस विधवा के चरणों में पैसों से भरी थैली रख देता है। गोपाल कहता है, इस थैली में मेरी 30 वर्षों की बचत के पैसे थे, मैंने उसमें से 1 पैसा भी नहीं निकाला, लेकिन जब मैंने वह थैली विधवा के चरणों में रखी उस समय मेरे प्रिय बाबू, क्या बताऊं क्या हुआ, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर ठुमक ठुमक करते हुए मेरे पास आए, उन्होंने अपने होठों से बांसुरी लगाई और बांसुरी के एक स्वर निकल रहा था, गोपाल पूरन तेरी आस मैं तो तेरे पास, गोपाल पूरन तेरी आस मैं तो तेरे पास, ऐसा गाकर कृष्ण ने मुझे सीने से लगा दिया। उस समय क्या हुआ उसका मैं तुमसे किन शब्दों में वर्णन करूं, उस समय मेरी आंखों से पर्दे हट गए और मैंने रास लीला देखी,
यमुना नदी के किनारे कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेल रहे थे। उस समय मैंने वृंदावन की पवित्र भूमि के कई स्थान भी देखे। बाबू, मैंने जो कुछ देखा वो सब तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा यात्री कौन है? इस सुंदर वार्ता से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है, काश हम भी कभी न भूलें कि हम भी यहाँ यात्री हैं। हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं रहने वाले, हम तो यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं। हमें यहाँ एक यात्री ही बनकर रहना चाहिए, इसलिए जितने शुभ कार्य कर सके करते रहें। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, नंद बाबा के घर में खुशियां मनाई जा रही थी और उधर कंस बेचारा योग माया की बातें सुनकर अब अपने महल में निराश बैठा है। अब अपने अन्य साथी राक्षसों और असुरों को बुलाता है, उन्हें सारी बात बताता है। उसके असुर साथी कहते हैं, इस बात का एक ही हल है, 10 दिनों में जितने भी शिशुओं का जन्म हुआ है, तुम उन सब का वध करने के लिए चारों ओर अपने सैनिकों को भेज दो, इससे तुम्हारा वध करने वाला शिशु भी मर जाएगा। कंस को यह बात जचती है, वह ऐसा ही करता है। अब राज्य में चारों ओर नवजात शिशुओं की हत्या होने लगी, लोग हाहाकार करने लगे। कंस जानता था कि नंद बाबा वासुदेव के मित्र हैं, इसलिए वह पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में नंद के बालक की हत्या करने के लिए भेजता है। अब बालक यशोदा के घर में पलने लगा। गोपियां हर रोज नंद बाबा के घर श्याम सुंदर का दर्शन करने आती थी। देखिए फिर एक दिन क्या होता है, अचानक एक महिला गोकुल में दिखाई देने लगी। उसके हाथ में कई कमल के फूल थे, जिन्हें हाथ में लेकर वह गोकुल की गलियों में घूम रही थी। गोपियां उसे देखकर कहती हैं, हाय कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सलोना है। तब उस महिला ने एक गोपी से पूछा, नंद बाबा का घर कहाँ है? गोपी ने उसे नंद बाबा के घर का पता बताया। अब वह महिला नंद बाबा के घर आ पहुंची। उस समय नंद बाबा घर पर नहीं थे, यशोदा माता बालक के पास बैठी थी और कई गोपियां भी वहां मौजूद थीं। गोपियों को श्याम सुंदर का मुखड़ा देखना बहुत अच्छा लगता था, मानो गोपियों का सबसे मुख्य काम यही था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने कई काम करते हैं, पर सबसे बड़ा काम है प्यार, प्यार ही प्यार। यह बात सही मायने में गोपियां जानती थीं, इसलिए रोज रोज वह नंद बाबा के घर आकर बड़े प्रेम से श्याम की सुंदर छवि को निहारती थीं। श्याम एक पालने पर लेटा हुआ था, तब वह महिला आई और बोली, यशोदा यशोदा। एक अजनबी स्त्री के मुख से अपना नाम सुनकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, किंतु फिर भी यशोदा बोली, आओ बहन बैठो, तुम्हारा स्वागत है। वास्तव में
महिला एक राक्षसी थी जो सुंदर रूप बनाकर श्याम का वध करने आई थी। पर वह यशोदा से कहती है, मुझे तुम्हारे लाला से बहुत प्रेम है। यशोदा तो बहुत भोली भाली और नेक थी, वह उसके छल को नहीं समझ पाई और बोली, हाँ हाँ बहन क्यों नहीं, तुम मेरे लाला को प्यार कर सकती हो। वह राक्षसी श्याम के निकट जाकर बैठ गई और श्याम को निहारने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने श्याम को अपनी बाहों में बिठा लिया। वह स्त्री जो पूतना थी अब श्याम को अपने गोद में रखकर उसे प्यार करने लगी। प्यार करते करते उसने लाला को अपने सीने से लगा दिया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। पूतना ने अपने आस्तनों पर जहर लगा रखा था, अब बालक अपने हाथों से उसके आस्तनों को निचोड़ने लगा, जिसकी पीड़ा से पूतना छटपटाने लगी, किंतु श्याम ने उसे छोड़ा नहीं। अंत में वह तड़प तड़प कर गिर पड़ी और मर गई। इस तरह श्याम ने पूतना का वध कर लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कंस ने श्याम का वध करने के लिए और भी कई राक्षस गोकुल में भेजे। इस तरह एक वर्ष बीत गया। अब नंद बाबा ने कहा कि हम बालक का नामकरण संस्कार करेंगे। मेरे प्रियजनों, आजकल जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के शीघ्र ही बच्चे का नामकरण किया जाता है, किंतु उन दिनों एक साल के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता था। जब श्याम एक साल का हो जाता है तो नंद बाबा कहते हैं कि अब हम बालक का नामकरण संस्कार करेंगे। गोकुल में नामकरण समारोह की तैयारियां शुरू हो जाती है। मथुरा का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका नाम था गार्गामुनि, वे आते हैं, ग्रह देखते हैं। ग्रह देखने के बाद वे कहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों द्वारा मैं आपको बता सकूं कि आपके घर में कौन सी शक्ति ने जन्म लिया है। इसके नाम अनंत हैं, उनमें से एक नाम है कृष्ण वासुदेव। कृष्ण वासुदेव नामकरण वाले दिन खुशियां मनाई जाती हैं। गोप और गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सज धज कर आते हैं। हर व्यक्ति बालक के लिए भेंट लेकर आता है। नामकरण के समय वेदों से मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Sovitur Varenyam Varenyam.
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और मंत्रों के स्वर गूंज रहे थे, दूसरी ओर ढोल बज रहे थे। बालक का नाम कृष्ण वासुदेव रखते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण वह जिसमें आकर्षण शक्ति हो, जिसमें खींचने की शक्ति हो। कृष्ण सबको अपनी ओर खींचते थे, उनमें गजब की आकर्षण शक्ति थी। एक बार अगर कोई उन्हें देख लेता तो उन पर मोहित हो जाता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति सदियों से बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने न केवल भारतवासियों को बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने हिंदुओं को और ईसाई धर्म के लोगों को अपनी ओर खींचा है। विदेशों में ईसाई धर्म के लोग अपना सिर मुंडवाकर, गेरुए वस्त्र पहनकर रास्ते में कीर्तन करते हुए जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण ने केवल भक्तों को अपनी ओर नहीं खींचा है, बल्कि कई नास्तिकों, गुनहगारों और चोरों को भी अपनी ओर खींचा है। एक चोर के बारे में बताया गया है कि एक स्थान पर एक पंडित भागवत कथा कर रहा था और यह चोर वहां से गुजरता है। वह देखता है कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वह सोचता है यह अवसर मैं अपने हाथों से क्यों गवाऊं, क्यों ना मैं इस भीड़ में जाकर किसी के जेब काट लूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर भी लोगों की भीड़ होती है वहां पर चोर लोगों की जेब काटने के लिए घुस आते हैं, इस विचार से कि हम जाकर किसी ना किसी की जेब काटें। इसलिए हमेशा सावधान रहना, सावधान रहना चाहिए हमेशा हमेशा। हाँ, तो चोर उस भीड़ में घुस आता है, पंडित कथा कर रहा है। वह कहता है वृंदावन में कृष्ण हर रोज गऊओं को चराते हैं, उसके गले में कितने ही हीरे जड़ित गहने हैं, बाहों में भी सोने के गहने पहने हुए हैं। अब अपने छोटे छोटे हाथों से बांसुरी को होठों से लगाकर मधुर तान छेड़ता है। चोर जब यह सुनता है तो वह स्वयं से कहता है मैं कितना मूर्ख हूं जो यहां पर बैठा लोगों की जेबें काट रहा हूं, क्यों ना मैं वृंदावन जाऊं और जाकर इस बालक के सारे गहने उतार कर ले आऊं, फिर तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर तो मुझे ये छोटी मोटी चोरी और जेब काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मुझे सच्चे दिल से, श्रद्धा से, प्रेम से बुलाते हैं मैं स्वयं चलकर उनके पास जाता हूं। प्रभु जिन्हें वेद भी पहुंच नहीं पाते, जिनका वर्णन करते करते ऋषियों ने भी वेदों में कहा है बेअंत बेअंत बेअंत, वही बेअंत स्वयं चलकर आता है उसके पास जो उसे पुकारता है, उसे बुलाता है, जिसे उसकी जरूरत है। काश ऐसी जरूरत हमारे दिल में भी उत्पन्न हो। हमें जीवन में कितनी ही चीजों की जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करते करते हम श्री कृष्ण को भुला बैठे हैं। जब हमारे दिल में केवल एक ही जरूरत होगी, आई नीड द लॉर्ड, आई नीड नथिंग एल्स, नाइदर प्लेजर्स नॉर पोजेशंस नॉर पावर, नाइदर फेम नॉर नेम नॉर अर्थली ग्रेटनेस, जब यह पुकार हमारे दिल की गहराइयों से उठेगी और जब श्री कृष्ण को यह पूर्ण विश्वास होगा कि यह पुकार सच्ची है, यह पुकार केवल शब्दों से भरी नहीं है, तो प्रभु स्वयं आएंगे। यह प्रभु का वादा है। हम तो श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमारे लिए यह असंभव है, पर श्री कृष्ण के लिए हमारे पास आना बहुत आसान है। चोर अब आगे की कथा सुनने के लिए वह नहीं रुकता, वह तुरंत वृंदावन जाने का निश्चय करता है। वह मन ही मन कहता है मैं इस बालक के सारे गहने उतार लाऊंगा, मैं इस बालक का सब गहने उतार लाऊंगा। वह वृंदावन में आता है, चारों ओर निहारता है, किंतु उसे बालक कहीं दिखाई नहीं देता। अब वह पुकारता है हे बालक कृष्ण, मैं तुम्हारी तलाश में कितनी दूर से आया हूं, मैं कई मील चलकर तुमसे मिलने यहां आया हूं, पर तुम तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तुम कहां हो कृष्ण, तुम कहां हो, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं कृष्ण, तुम कहां हो।
बस यही एक पुकार लिए वह यहां से वहां भटकता रहा। यह पुकार करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगा। वह अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। मेरे प्रियजनों, इस पुकार के जवाब में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। चोर देखता है कि गौ माताएं खड़ी हैं और छोटा सा बालक श्याम सुंदर उनके बीच खड़ा बांसुरी की मधुर तान छेड़ रहा है। मन को मोह लेने वाली तान, यदि हम भी उस तान को सुन लें तो अपना सर्वस्व भूल जाएंगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरे प्रियजनों, चोर श्री कृष्ण की ओर निहारता है। श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते कुछ हद तक उसका मन शुद्ध हो गया था, पर जब वह हीरे जर्त गहने श्री कृष्ण के शरीर पर देखता है तो फिर से उसके दिल में चोरी करने की भावना उठती है। वह मन में कहता है, काश मैं ये सारे गहने चुराकर यहां से भाग जाऊं, गहने मिल जाने पर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। श्री कृष्ण उसकी ओर निहारते हैं और चोर भी श्री कृष्ण की ओर निहारता है। फिर वह धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के निकट जाता है, वैसे वैसे उसका हृदय पवित्र होने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को पाने के लिए कितने साधन करते हैं। हम दान करते हैं, तपस्याएं करते हैं, यहां तक कि मालाएं भी फेरते हैं, पर फिर भी हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। किंतु जब हम किसी संत के चरणों में बैठते हैं तो उस समय
हम स्वयं को कितना शुद्ध महसूस करते हैं, उस समय अपने भीतर कितनी शांति महसूस करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक राह पर सबसे आसान मार्ग है सेवा का मार्ग, संतों के संगति का मार्ग। संतों की संगति करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जो श्री कृष्ण से कहता है, मैं तुम्हारी तलाश में आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे गहने लेने के लिए आया हूँ, मुझे तुम अपने गहने उतार कर दो। इस पर नन्हा सा बालक श्याम सुंदर अपनी तोतली भाषा में कहता है, मैं तुम्हें अपने गहने कैसे उतार कर दूं? यदि मैं तुम्हें अपने गहने उतार कर दे दूंगा तो मेरी मैया मुझ पर बहुत नाराज होगी। मैया बार बार मुझसे कहती है कि अपने गहने संभालना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे गहने उतार कर ले जाए। इसलिए मैं अपने गहने संभाल कर रखता हूँ, उन्हें पकड़ कर रखता हूँ कि कहीं कोई उन्हें उतार कर ना ले जाए। देखो, मैंने अपनी मुरली भी इस तरह रखी है ताकि मेरा हाथ हमेशा मुरली पर रहे। किंतु चोर बार बार उसे गहने मांगता है। चोर गहने लेने के बहाने श्री कृष्ण के निकट आकर खड़ा हो जाता है। अचानक श्री कृष्ण उससे कहते हैं, तुम मेरे गहने ले लो, तुम मेरे गहने की तलाश में ही यहाँ आए हो ना, अब तुम चाहो तो मेरे गहने अपने साथ ले जाओ, मैं अपने आप मैया को समझा लूंगा। पर घोर आश्चर्य, चोर अब गहने लेने से मना कर देता है और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, कृष्ण मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी चाहत है। चोर अपने दिल से गहराइयों, चोर अपने दिल के गहराइयों से ये शब्द कहता है। चोर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, उसके मुख से केवल यही शब्द निकलते हैं, मुझे तो चाहत है एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोपियों की हालत भी ऐसी ही थी। एक बार वे श्री कृष्ण को देख लेती थी, एक बार वे मुरली की धुन सुनती थी तो मस्त हो जाती थी। एक गोपी के बारे में बताया गया है कि एक दिन रात्रि के समय वह अपने पति के पैर दबा रही थी ताकि पति की थकान दूर हो जाए और उसे नींद आ जाए। तभी अचानक ही उसके कानों में बांसुरी की आवाज पड़ती है और वह भूल जाती है कि वह कौन सा काम कर रही है। वह सब कुछ भूल कर भागी भागी श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कभी आपने इस बात का विचार किया है कि नंद बाबा और माता यशोदा इतने भाग्यवान क्यों थे कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन उनके घर में गुजरा? श्याम यशोदा माता को अपनी माँ समझता था और नंद बाबा को अपना पिता। ठीक उसी प्रकार माता यशोदा और नंद बाबा भी श्याम को अपना पुत्र ही मानते थे। इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। यशोदा के लिए कहा जाता है कि वह दूसरों को यश देती थी। यश ददाती यशोदा, यश दूसरों को देती लेकिन अपयश स्वयं अपने ऊपर लेती। यदि कोई भूल चूक हो जाती तो उसके लिए स्वयं कोई दोषी ठहराती।
हर सफलता का श्रेय वह दूसरों को देती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो ऐसा करता है कन्हैया उसके पास आता है, लेकिन हमारी हालत क्या है, यदि कोई बात बिगड़ जाए तो उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और जब सफलता मिलती है तो उसका श्रेय स्वयं लेते हैं। कार्य कोई और करेगा, किंतु हम आगे बढ़कर कहेंगे ये काम हो गया है, ऐसे दिखाएंगे मानो वह काम हमने स्वयं किया है। माता यशोदा हर अच्छे काम का यश दूसरों को देती थी और अपयश स्वयं पर लेती थी। जो ऐसा करता है कन्हैया स्वयं उसके पास आता है। और नंद कौन? नंद वह जो दूसरों को आनंद दे, नंद वह जो दूसरों के कष्ट, दूसरों का दर्द, दूसरों की विपत्ति स्वयं पर ले, किंतु अपना आनंद दूसरों को दे। जो ऐसा करता है उसके पास भी शाम स्वयं आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि बालक का नाम कृष्ण रखा जाता है, कृष्ण वह जो सबको आकर्षित करता है, कृष्ण अपनी शरारतों से सबको मोह लेता है। माता यशोदा का पूरा समय उसकी देखभाल में ही बीत जाता है, जाता था। उसकी शरारतें देखकर माता यशोदा कहती, मुझे तुम चैन से बैठने नहीं दोगे। गोपियां तो शाम की दीवानी थी, वे सारा समय पुकारती थी, शाम कब आओगे हमारे घर, कब आओगे हमारे घर। शाम भी बेधड़क गोपियों के घर चला जाता, अपने साथ ग्वालों को भी लेकर जाता और उनकी मटकियां फोड़कर माखन चुराता था। गोपियां यशोदा मैया के पास आकर शाम की शिकायत करती थी कि कृष्ण ने तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तब यशोदा मैया कृष्ण से कहती, कान्हा तुम क्यों जाकर उन्हें परेशान करते हो। तभी कृष्ण यशोदा से कहता, मैया आपने देखा है मैं कभी किसी के घर जाता हूँ, ये मुझे खुद बुलाती हैं, फिर आकर आपसे शिकायत करती हैं। कहो तो आज से मैं किसी भी गोपी के घर नहीं जाऊंगा। तभी गोपियां कहती हैं, कान्हा ऐसा कभी मत करना, तुम्हें जो करना है सो करो, लेकिन हमारे घर जरूर आओ। यशोदा गोपियों से कहती, तुम खुद इसे बुलाती हो फिर खुद ही आकर शिकायत करती हो, तुम कान्हा को मटकियों तक क्यों पहुंचने देती हो। जब कान्हा तुम्हारे घर आए तो उसके सामने एक ग्लास दूध का और माखन का टुकड़ा रख दो और उसके पैसे मेरे से ले लो। इसके अलावा यदि कान्हा कोई और शरारत करे तो पकड़कर मेरे पास लेकर आना, मैं इसे देख लूंगी। एक दिन शाम एक घर में जाता है, वहां जाकर शरारत करता है। गोपी इसे पकड़कर एक संदूक में बंद कर देती है। उस संदूक में छोटे छोटे छेद थे जिनसे संदूक के अंदर हवा जा सकती थी। संदूक को ताला लगाकर गोपी मन ही मन कहती है, यह संदूक लेकर मैं माता यशोदा को दिखाऊंगी। गोपी की एक छोटी सी बेटी थी जिसे श्याम के लिए अति प्यार था। वह कहती है, मेरी माँ ने श्याम को संदूक में बंद कर लिया है, अब न जाने कब वह इसे यशोदा के पास ले जाएगी। माँ ने श्याम को संदूक में बंद करके ठीक नहीं किया है। माँ ने ताला लगाकर एक दराज पर चाबी रख दी। कुछ देर बाद गोपी किसी काम से बाहर चली गई। तब बच्ची ने ताला खोला और शाम से कहा, मैं इस संदूक में बैठ जाती हूँ, तुम ताला लगाकर चाबी दराज पर रखकर गुम हो जाओ। शाम ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद गोपी जब लौटी तो उसे याद आया
कि उसने शाम को संदूक में बंद करके रखा है। अब बैलगाड़ी में संदूक को रखकर माता यशोदा के पास चल पड़ी और पहुंचते ही चिल्लाने लगी, यशोदा मैया, यशोदा मैया, मैं तुम्हारे लाल को पकड़ लाई हूं। यशोदा मैया ने पूछा, किसे पकड़ कर लाई हो? उस पर गोपी ने कहा, शाम को। और किसे? यशोदा ने कहा, शाम तो अभी अभी मेरी गोद में बैठा था, तुम उसे कहां से पकड़ कर लाई? तुम गोपियां हो ही ऐसी, मेरा शाम तो कुछ भी नहीं करता है लेकिन तुम लोग उस पर इल्जाम लगाती हो। फिर माता यशोदा ने जोर से पुकारा, मेरा शाम तुम कहां हो? शाम यशोदा की पुकार सुनते ही सामने आकर खड़ा हो गया। गोपी उसे देखकर हैरान हो गई, वह सोचने लगी, इसे मैंने संदूक में बंद कर दिया था, फिर यह बाहर कैसे आ गया? उसने यशोदा से कहा, जरा संदूक खोलो, शाम को मैंने स्वयं इस संदूक में बंद किया है। जैसे ही यशोदा ने थैला खोला तो देखा कि उसके अंदर गोपी की बेटी बैठी है। तभी यशोदा मां ने गोपी से कहा, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन यशोदा माता ने देखा कि कान्हा मिट्टी खा रहा था। अब वह भागती हुई कान्हा के पास गई और बोली, अपना मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माता देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कृष्ण के मुंह में उसे पूरी सृष्टि घूमती नजर आई। माता यशोदा को तीनों लोक कान्हा के मुख में दिखाई दिए। तब माता यशोदा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, तुम तो तीनों लोकों के नाथ हो, मुझे इस बात का भान ही नहीं था, मैं तो तुम्हें अपना बच्चा ही समझती रही, मैं तो तुम्हें डांटती और पटकारती रहती हूं, किंतु तुम तो स्वयं प्रभु हो, कृष्ण जिनका नाम है वो कल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। Bye.
मेरे प्रियजनों, किंतु उसी क्षण श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की कि माता यशोदा फिर भूल गई कि कृष्ण प्रभु हैं। वह उन्हें अपना बालक ही समझने लगी, उन्हें डांटने लगी, पटकारने लगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन कृष्ण ने यशोदा माता से कहा, मैं किसी विशेष कर्तव्य के लिए इसी पृथ्वी पर आया हूँ। हो सकता है अपना कर्तव्य करने के लिए मुझे कहीं जाना पड़े, ऐसे में तुम मेरे बारे में जरा भी चिंतित मत होना, मैं अपना काम पूरा कर पुनः तुम्हारे पास लौट आएगा, तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन यशोदा माता को कृष्ण की ये बातें समझ में नहीं आती थी। जब कृष्ण 7 या 8 वर्ष के थे, एक दिन अचानक वे घर से कहीं चले गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंस श्री कृष्ण का वध करने के लिए कई राक्षसों को गोकुल में भेजता था, किंतु जो अमर है उसे कौन मार सकता है। लेकिन कृष्ण के चले जाने से माता यशोदा घबरा जाती है। माता सोचती है, पता नहीं मेरा बालक कहाँ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसे उठा ले गया हो, पता नहीं इस समय वह किस हाल में होगा। सारा दिन लोग कान्हा को ढूंढने इधर उधर जाते हैं, ढूंढते ढूंढते सारा दिन गुजर जाता है, किंतु शाम का कहीं पता नहीं था। अब घर घर में रुंधन मच गया, एक एक की आंख में आंसू भरे थे, सबके होठों पर एक ही बात थी कि शाम तुम कहाँ हो, शाम तुम कहाँ हो, आओ रे गोवर्धन गिरधारी। मेरे प्रियजनों, सारी रात बीत गई, अगला दिन भी सारा बीत गया। तीसरे दिन कई गोपियां आपस में मिलकर वन की ओर जाती हैं और वहीं बैठकर एक दूसरे को मन का हाल सुनाती हैं। वे एक दूसरे से कहती है, कान्हा के जाने से हमारा सारा चैन खो गया है, हमारी रातों की नींद उड़ गई है, किसी भी काम में हमारा मन ही नहीं लगता, शाम पता नहीं कहाँ चला गया है,
अब हम उसे कहां जाकर ढूंढें? उसके बिना तो हमारा जीना दुश्वार हो गया है। इस तरह गोपियां आपस में बातें कर रही थीं कि तभी झाड़ियों से गोपियों को एक महिला आती हुई दिखाई दी। उसके बाल खुले थे, आंखें सूजी हुई थी, मानो वह सारा समय रोती रही थी। जब महिला गोपियों के निकट आती तो उन्हें पता चलता है कि वह यशोदा माता है। वे यशोदा माता के पास जाकर उनका हाल पूछती हैं। उनकी बात सुनकर यशोदा माता रोने लगती है। वे कहती हैं, मैं तो दीवानी हो गई हूं, बस शाम को ढूंढने के लिए यहां वहां भटक रही हूं। मेरे दिल से तो बस यही पुकार उठ रही है, मेरा शाम कहां है, मेरा नंद गोपाल कहां है, मेरा कृष्ण कन्हैया कहां है। न मैं कुछ खा सकती हूं, न पी सकती हूं, न सो सकती हूं, मुझे तो कुछ नहीं सूझता, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इतना कहकर अब फिर से रोने लगती है। गोपियां मन ही मन सोचती हैं, माता यशोदा के दुख के आगे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोपियां माता यशोदा को सांत्वना देने की कोशिश करती है। एक गोपी कहती है, माता यशोदा, हम बार बार तुमसे श्याम की शिकायत करती थी। हम कहती थी श्याम बड़ा शरारती है, हमारी मटकियां फोड़ता है, हमारा मक्खन चुराता है, हम नदी पर नहाने जाती हैं तो हमारे कपड़े उठाकर कहीं छिपा लेता है। किंतु आज हम तुम्हें बताएं, श्याम की शरारत में भी एक विचित्र आनंद था। बेशक हम तुमसे शिकायत करती थी, किंतु हमको उसकी शरारतों से बड़ा आनंद आता था। इस पर दूसरी गोपी कहती है, आज देखो वृंदावन की क्या हालत है, वृंदावन कितना सूना लग रहा है। वैसे तो शाम बांसुरी की मधुर तान छेड़ता था तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगते थे, शाम के होते हुए सारे वृंदावन में बहार आ जाती थी। अब तो शाम के बिना यह वृंदावन एक रेगिस्तान बन गया है। तब तीसरी गोपी कहती है, हम जब घर में काम काज करती थी तो हमारे कान सारा समय खड़े रहते थे, हम इसी ताक में रहती थी कि कब शाम की बांसुरी बजेगी। एक बार शाम की बांसुरी की मधुर धुन कानों में पड़ती थी तो हम सब कुछ भूल जाती थी। कई बार चूल्हे पर हांडी रख रहती थी, उसे भी हम भूल जाती थी। और भागती हुई शाम के पास पहुंच जाती थी। फिर चौथी गोपी कहती है, माँ, शाम की बांसुरी बड़ी अजीब है। कभी लगता था बांसुरी के बजने की आवाज उत्तर दिशा से आ रही है, तो कभी लगता था बांसुरी के बजने की आवाज दक्षिण दिशा से आ रही है, कभी तो लगता था पूरब से आ रही है, कभी लगता था पश्चिम से आवाज आ रही है। इसलिए हम कभी एक दिशा की ओर भागती तो कभी दूसरी, किंतु जब शाम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता तब हमें पता चलता था कि बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। तब पांचवी गोपी कहती है, उन दिनों हम कितने आनंद में रहती थी, ऐसा लगता था हम लोहे के टुकड़े थे और शाम हमें एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता था। उस चुंबक के आकर्षण से हमें जीवन का आनंद मिलता था।
अब शाम पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह गोपियां माता यशोदा से वार्तालाप कर रही थी कि तभी अचानक उन्हें सामने से एक गोपी आती हुई दिखाई देती है। तब उनके पास आकर धीमे स्वर में कहती है, मैंने शाम को देखा। जब माता यशोदा ने ये शब्द सुने तो वह उछल पड़ी और बोली, अरे बताओ, तुमने शाम को कहाँ देखा? शाम कहाँ है, जल्दी बताओ ताकि मैं दौड़ कर जाऊं और उसे ले आऊं। कहाँ है मेरा शाम? वो ठीक ठाक तो है ना, उसे कोई तकलीफ तो नहीं थी ना, उसे किसी ने पकड़ कर तो नहीं रखा है ना, उसे कोई उठा तो नहीं ले गया ना, जल्दी करो मुझे बताओ मेरा लाल कहाँ है। तब गोपी ने कहा, आज मैं अपने पति के लिए दोपहर का भोजन लेकर खेत में गई थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गोपियों के पति खेती बाड़ी का काम करते थे। हर रोज गोपियां दोपहर का भोजन बनाकर खेतों में उनके पास ले जाती थी। हाँ, तो गोपी कहती है, मैं अपने पति को भोजन खिला के जब लौट रही थी तो मेरी दृष्टि एक पेड़ पर गई जिसके नीचे कोई पेड़ के तने से टेका लगाए बैठा था। वैसे तो मैं कभी किसी की ओर ध्यान नहीं देती हूँ, मेरा सारा ध्यान तो शाम में ही लगा रहता है, किंतु कुछ दिनों से शाम वृंदावन में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा जरा देखूं पेड़ के नीचे कौन बैठा है, हो सकता है अब मुझे शाम का कोई पता बताए। पर जब मैं पेड़ के निकट गई तो क्या देखती हूँ कि वहां शाम ही बैठा है। वह किसी गहरी सोच में डूबा था, उसे तो आसपास क्या हो रहा है उसकी भी कोई सुध बुध नहीं थी। मैं चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई और अपने पैर में परी पायल से झंकार की, किंतु फिर भी शाम पर उस झंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने ही सोच में डूबा था, उसे मेरे आने का पता भी नहीं चला। तब मैंने ही धीरे धीरे से उसे पुकारा, कन्हैया। पहले तो उसने मेरी पुकार सुनी ही नहीं, फिर मैंने थोड़ा जोर से पुकारा, कन्हैया। तब अचानक उसने मुड़कर देखा। मैंने कहा, कन्हैया तुम अचानक कहाँ गुम हो गए? पूरे 2.5 दिन बीत गए हैं, वृंदावन की गली गली में रुंधन मचा हुआ है, एक एक आंख तुम्हारे वियोग में नीर बहा रही है। तुम्हारी माँ का तो हाल बहुत बुरा है, वह पागलों की तरह तुम्हें रास्तों पर ढूंढती फिर रही है। उसके होठों पर तो बस यही शब्द है, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा काना कहाँ चला गया, मेरा शाम कहाँ होगा, तुम ये 2.5 दिन कहाँ थे? तब कन्हैया ने मेरी आंखों में झांका, He looked into the depths of my eyes, और बोला, तुम गोपियों को, ग्वालों को, मेरी माँ को, मेरे पिता को जाकर यह संदेश दो, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया। मैं जब इस बात का विचार करता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आई एम लॉस्ट इन वंडर, हाउ इज सच अ थिंग पॉसिबल। लेकिन प्रभु तो कृपालु है, दयालु है। प्रभु स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए। वे अपने साथ सत्य लोक की सुंदरता लाई। बसंती वस्त्र धारण करके आए, बांसुरी की मधुर धुन लेकर आए। लोग अक्सर कहते हैं दैट द ग्रेटेस्ट इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री इज दैट मैन हैज सेट फुट ऑन द मून। इतिहास में सबसे बड़े इतिहास में सबसे बड़ी बात जो हुई है वो है यह कि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया है। लेकिन मैं कहता हूं इससे कई गुना अधिक बड़ी बात है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इस सारी सृष्टि का मालिक हमारी यह पृथ्वी तो है ओनली स्पीक ऑफ डस्ट इन द सहारा ऑफ स्पेस। इस सृष्टि में हमारी पृथ्वी तो रेत का एक कण मात्र है। ये शब्द एक वैज्ञानिक के हैं। ऐसे पृथ्वी पर प्रभु स्वयं पधारे, ये प्रभु की हम पर कितनी कृपा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथ बांसुरी की मधुर धुन लेकर आए थे, जिस धुन का एक ही आलाप है, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। अपने इस मधुर धुन से उन्होंने कई लोगों को आकर्षित किया। कुछ लोग तो आज भी उस मधुर धुन को सुन सकते हैं। बांसुरी की धुन तो आज भी बज रही है, किंतु कुछ भाग्यशाली हैं जिनके आंतरिक कर्ण खुले हुए हैं। जब वे ध्यान में बैठते हैं तो बांसुरी की मधुर धुन सुनते हैं। बांसुरी की धुन तो पुकार रही है, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। हे बंदे, तुम्हें सच्चे सुख की तलाश है, सच्चा सुख तो तुम्हें मिलेगा नहीं। ये संसार तुम्हें मजा दे सकता है, स्वाद दे सकता है, किंतु तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकता। सच्चा सुख जैसे भारत के महान ऋषियों और मुनियों ने आनंद कहा है, वह आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। सच्चा आनंद वह होता है जो एक बार मिल जाए तो फिर उसे कोई छीन न पाए। स्वाद, इंद्रिय भोग और मौज मस्ती, ये सब क्षण भंगर हैं। इट इज वेरी मच लाइक अ बबल दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्ट्रीम। प्लेजर इज फ्लीटिंग, इट डज नॉट अबाइड। ट्रू हैप्पीनेस इज एन अबाइडिंग एक्सपीरियंस। It is a permanent experience. If you have it once, you have it forever. No one can take it away from you. No one can snatch it away from you. It is your possession always. Shri Krishna कहते हैं, जिस सच्चे सुख की तुम्हें तलाश है, वह सुख तुम्हें संसार का ऐशो आराम नहीं दे सकता, संसार का मान सम्मान नहीं दे सकता, संसार की धन दौलत नहीं दे सकती, संसार की कीर्ति और यश वह सुख नहीं दे सकता। यह सच्चा सुख तो मेरे चरण कमलों में है, इसलिए तुम मेरे पास आओ मेरे पास आओ। श्री कृष्ण की बांसुरी सारा समय बज रही है। क्या रात, क्या दिन, क्या सुबह, क्या शाम, क्या दोपहर, क्या आधी रात, बांसुरी पुकार रही है। केवल हमारे सुनने की देर है, हम उस धुन को सुनते नहीं। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर। Thank you.
मेरे प्रियजनों, मुरलिया बाजे यमुना के तीर, बट लॉस्ट एज वी आर इन द नॉइजेस द ट्यूमल्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर अनएबल टू हियर दैट स्वीट फ्लूट लाइक वॉइस व्हिच कीप्स ऑन कॉलिंग अस कम अन टू मी। सभी धर्मों का त्याग कर हे अर्जुन तू मेरी शरण में आओ, तो पापों के सारे बंधन तोड़कर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। हे बंदे, तुम्हें मुक्ति चाहिए? तुम मुक्ति की तलाश में यहां वहां भटक रहे हो, दूर दूर तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जा रहे हो, किंतु मुक्ति न ऊंचे पहाड़ों पर है न तीर्थ स्थानों पर है, मुक्ति तो है मेरे चरण कमलों में। तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन कृष्ण उन्हें बुलाता है जो अकेले होते हैं। कृष्ण एक दिन अचानक कहीं चले जाते हैं, अब सारे वृंदावन में रुंधन मच गया। माता यशोदा और अन्य गोपियां उन्हें ढूंढने निकली। वे सब चलती चलती एक वन में आ पहुंची और आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करने लगी। तभी वहां एक गोपी आई, उसने कहा मैंने कृष्ण को देखा, वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने पास जाकर उससे कहा कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तब अचानक उसने मुड़कर देखा। मैंने कहा कन्हैया तुम अचानक कहां गुम हो गए? पूरे 2.5 दिन बीत गए हैं, वृंदावन की गली गली में रुंधन मचा हुआ है, एक एक आंख तुम्हारे वियोग में नीर बहा रही है। तुम्हारी माँ का तो हाल बहुत बुरा है, वह पागलों की तरह तुम्हें रास्तों पर ढूंढती फिर रही है। उसके होंठों पर तो बस यही शब्द है, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा काना कहाँ चला गया, मेरा श्याम कहाँ होगा, तुम ये 2.5 दिन कहाँ थे? तब कन्हैया ने मेरी आंखों में झांका, he looked into the depths of my eyes, और बोला तुम गोपियों को, ग्वालों को, मेरी माँ को, मेरे पिता को जाकर यह संदेश दो, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। इस तरह 5 बार बोलने के बाद उसने अपनी कमर पर रखी बांसुरी उठाई और बजाने लगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस बांसुरी से भी यही स्वर निकल रहे थे, कृष्ण बुलाए अकेले को। उसके बाद शाम वहां से अंतर ध्यान हो गए। मैं अपनी आंखें मलकर कृष्ण को ढूंढने लगी। मैं सोच रही थी मैंने सचमुच कृष्ण को देखा या मेरी कल्पना थी। पता नहीं कब धुंध सी छा गई और कृष्ण उसमें गुम हो गया। कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से भी कई लोगों को प्यास है कि हम भी कृष्ण के पास जाएं। कई लोग मुझसे कहते हैं हमें लगता है कृष्ण हमें बुला रहे हैं, आजा आजा, पर हम उसके पास कैसे जाएं? तो यदि आप कृष्ण के पास जाना चाहते हैं तो इस तरह जाएं, अकेले हो जाएं। जब तक हम अकेले नहीं होते तब तक हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो, यदि तुम मेरे होना चाहते हो, तो तुम अकेले हो जाओ, अकेले हो जाओ। हम अकेले नहीं होना चाहते। अकेला वो होता है जो एक हो जाता है। His is an integrated personality. अकेले का अर्थ है एक। जहां दो होंगे वहां अकेलापन कहां रहेगा? Integrated personality. किंतु हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी नहीं है। इसलिए गुरुजी अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं,
कब हूँ महाक्रोध बकराल, कब हूँ सर्व की हो तरवाल। कभी देखो कोई व्यक्ति आवेश में आ जाता है महाक्रोध विकराल, कुछ देर के बाद वही व्यक्ति इतना नम्र होगा कहेगा मैं सबके चरणों की धूल हूँ। वी आर नॉट इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटीज, हमें एक होना है, हमें अकेला होना है। इस समय तो हम बस इन्हें विचारों में डूबे रहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरी कार, हम अकेले नहीं बने हैं। ये सारी चीजें, ये सारी बातें अपने साथ लिए घूम रहे हैं, अकेले नहीं हुए हैं। अकेला इंसान वह होता है जो समझता है कि उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। वह तो बस यही सोचता है काश मैं शाम का हो जाऊं, मैं जो भी हूं या मेरे पास जो कुछ है उसे शाम को अर्पण कर दूं। जब ऐसी भावना हमारे मन में उठती है तब हम अकेले हो जाते हैं। इस समय देखो यदि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम शोक के अंधकार में डूब जाते हैं। जो इंसान अकेला होता है वह कहता है कृष्ण तुमने दिया तुमने लिया, मुझे शोक किस बात का, मेरा तो कुछ भी नहीं है तो फिर मैं दुख क्यों करूं। जितना समय तुम्हारी इच्छा रही उतना समय मेरा प्रिय मेरे पास रहा, उसके बाद तुमने उसे अपने पास बुला लिया। जब हम अकेले होते हैं तभी कृष्ण तक पहुंच पाते हैं, किंतु हम अकेले नहीं होते। यदि आप स्वयं पर कड़ी नजर रखें तो आपको पता चलेगा कि कदम कदम पर आप बंधे हुए हो। जब हम किसी चीज को अपना कहते हैं तो स्वयं को अपने पन की रस्सी से बांध लेते हैं, जैसे अरे मेरी पुस्तक को हाथ क्यों लगाया, मेरी पुस्तक, अब पुस्तक तुम्हारी कभी थी ही नहीं, वह तो बस कुछ समय के लिए तुम्हारे पास थी। यदि किसी ने ले ही ली तो उससे क्या होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक साधु रास्ते पे बैठा था, तभी घोड़े गाड़ी पर एक सेठ वहां से गुजरा। सेठ ने साधु को देखा, साधु के मुख पर तेज था। सेठ ने सोचा चलो साधु का आशीर्वाद लेता चलूं। वह अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, उसके पास मिठाई की 12 बॉक्सेस थी, उसमें से 4 बॉक्सेस उनके साधु उन्हें साधु के चरणों में रखी। साधु को बहुत भूख लगी थी सो उसने एक मिठाई की बॉक्स खोली और उसमें से थोड़ी सी मिठाई खाई, क्योंकि ज्यादा मिठाई खाने से पेट में तकलीफ होती है, इसलिए साधु कभी भी ज्यादा मिठाई नहीं खाते हैं। हम हैं
कि एक बार मिठाई देखी तो बस खूब सारी खा लेते हैं, फिर एक डकार पर डकार देने लगते हैं। हाँ तो साधु जरा भी मिठाई खाकर, जरा सी मिठाई खाकर बॉक्स वहीं रख देता है। सेठ ने साधु के चरणों में थोड़े पैसे भी रखे और चला गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक 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 गुंडा गुजरता है, उसकी नजर मिठाई की बॉक्सेस पर पड़ती है। उसने देखा कि मिठाई नगर के सबसे बढ़िया दुकान से खरीदी गई है। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी स्वादिष्ट मिठाई। उसने चुपचाप साधु के पीछे जाकर उसकी गर्दन पर एक हाथ मारा और मिठाई की बॉक्सेस और पैसे लेकर भाग गया। साधु वहीं पर बेहोश हो गया। इतने में घोड़े गाड़ी में एक दूसरा सेठ गुजरा। उसने साधु को बेहोश पड़ा देखकर मन ही मन कहा, साधुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और साधु को उठाकर घोड़े गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने साधु को अपने नरम बिस्तर पर सुलाया। कुछ देर बाद साधु को होश आया, तब सेठ ने उसे एक कप दूध पीने को दिया और बोला, मैं रास्ते से गुजर रहा था तब मैंने आपको सड़क पर बेहोश पाया, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। अब भगवान की दया से आपको होश आ गया है, थोड़ा दूध पी लीजिए तो आपको फुर्ती आ जाएगी। साधु ने खुशी खुशी दूध पी लिया। आगे सेठ ने साधु से पूछा, आपके साथ किसने ऐसा दुर्व्यवहार किया? इस पर साधु बोला, जिसने दुर्व्यवहार किया और जिसने दूध पिलाया दोनों एक ही हैं। यह सुनकर सेठ चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं स्वयं ही साधु को मारूंगा, उसे बेहोश करूंगा और अपने घर ले आऊंगा, फिर दूध पिलाऊंगा, यह कैसे हो सकता है? उसने साधु से कहा, स्वामी जी मैंने ऐसा कब किया? साधु बोला, मैंने कब कहा कि ये तुमने किया, किंतु मैंने कहा जिसने मिठाइयां और पैसे दिए और जिसने मिठाइयां और पैसे लिए और फिर जिसने दूध पिलाया सब एक ही हैं। जो अकेला होता है वो सब में उस एक का दर्शन करता है, ये है सच्चा वेदांत। कई लोग वेदांत पे बड़े बड़े उपदेश देते हैं, किंतु वेदांत का सार यही है कि सब में उस एक का दर्शन करना। जो व्यक्ति सब में उस एक का दर्शन करता है वह ही अकेला होता है और श्री कृष्ण को पाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। Such an one claims nothing, he expects nothing, he desires nothing. वह हर काम काज अपना कर्तव्य समझ कर करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक महापुरुष सारी रात खड़े रहकर प्रभु के कमल चरणों का ध्यान करते थे। एक बार उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव आपकी यह तपस्या प्रभु स्वीकार करते हैं? तब महापुरुष कहते हैं, ईश्वर मेरी तपस्या स्वीकार करे या न करे, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तपस्या करना अपना कर्तव्य समझता हूं। यह तो मेरी प्रकृति है और मेरी प्रकृति मुझसे यह कार्य करा रही है। जब इंसान की ऐसी अवस्था होती है तब वह अकेला होता है। ऐसे इंसान को फिर कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप उसे कहेंगे तुम्हें मुक्ति चाहिए तो वो कहेगा, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भारत में लोग कहते हैं, द हाइएस्ट गोल इज लिबरेशन, इज इमेंसिपेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऐसा इंसान मुक्ति की चाहत भी नहीं रखता है। वह कहता है, यह शरीर भी उस प्रभु की देन है।
प्रभु जो चाहे इस शरीर द्वारा अपना काम करता रहे। सच अ मैन बिकम्स अ विटनेस, ऐसा व्यक्ति दृष्टा बनकर सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। वह किसी भी लालच का शिकार नहीं होता, कोई भी तृष्णा उसे अपनी ओर नहीं खींचती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यही एक बात अपने अंतर में उतार लें, कृष्ण बुलाए अकेले को, कृष्ण बुलाए अकेले को। ओम शांति 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 ही।